गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संदीप सर जी के, स्वागत है सभी का। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में सारी क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले तो मैं आप लोग को ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग सेशंस को शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं और लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं आज का वीडियो देख रही थी तो लाइक्स कम हो रहे हैं आपके, शेयर कम हो रहे हैं और व्यूज भी कम हो रहे हैं। तो संदीप सर तो मुझे स्टार्टिंग में ये बोल रहे थे कि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है करंट अफेयर्स के लिए, पर मुझे लगता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मेरी 2019 के पूरे ईयर की करंट अफेयर्स करवाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। तो प्लीज़ सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इन सब की भी क्लास लाना चाहते हैं तो आपसे एक ही विनंती है कि आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर व्यूज़ कम आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज है 25 जनवरी, सुबह के बच्चों के साथ और कल के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो ब्राजीलियन करेंसी है उसको रियल कहा जाता है, ब्राजीलियन रियल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल अडोल्फ हिटलर ने दिया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम बनाया गया है, और इंडिया ने 2020 का डिप्लोमेट वर्ल्ड कप जीता है। याद रखिए, अगर आप हैशटैग संदीप सर जीके के साथ कमेंट कर दें तो वही कमेंट को कंसीडर किया जाएगा। तो अगली बार आंसर देते वक्त हैशटैग संदीप सर जीके जरूर लिखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछती हूँ उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जैसे इन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। और हाँ, कल गलती से जल्दबाजी में मैंने ये बोल दिया था कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के फर्स्ट रैंकिंग पर नॉर्थ कोरिया है, तो आई एम सॉरी, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्वे है, ठीक है। तो अपने आंसर्स हैशटैग संदीप सर और हैशटैग संदीप सर के साथ लिखिए। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप किया है। कितने मेडल जीते हैं उन्होंने? उन्होंने जीते हैं 256 मेडल्स, ठीक है, और उसमें से गोल्ड कितने हैं? 78। तो किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। ओके, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और उसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड जो है, महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है वो है येलो फुटेड ग्रीन पिजियन, मतलब हरे रंग का जो पिजियन है वो उसका स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट, The government of India has partnered with Infosys to improve the performance of goods and service tax network. तो GST जो है उसको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए सरकार ने किसके साथ टाई अप किया है? तो इन्फोसिस कंपनी के साथ, ठीक है। इन्फोसिस आपको पता है नारायण मूर्ति की एक IT बेस्ड कंपनी है। और GST जो है, GST किस साल लागू किया था? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। और GST जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो GST 279A आर्टिकल के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है, 279A आर्टिकल के अंदर GST आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज रैंक 18 इन द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कौन से इंडेक्स में? वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो है वो 80वें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो ये रिपोर्ट जारी करती है। 2018 में उसका रैंक था 78, ठीक है, 78 में से 80 हो चुका है भारत। तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि जीरो करप्शन जो है वो 100 नंबर को दिया जाता है, और बहुत हाई करप्शन है वो 0 नंबर को। तो मतलब अगर हम 100 के नज़दीक जा रहे हैं हमारा रैंक, तो वो अच्छा है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के लिए ये जो अवार्ड है वो सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर दिया गया है। तो 23 जनवरी को उनको 123वीं बर्थ एनिवर्सरी हुई थी। तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के लिए डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है,
आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र, DMMC, फुल फॉर्म याद रखिए, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, जो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के लिए उसे दिया गया है, और इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए हमारे फॉर्मर IAS है श्री कुमार मुन्नन सिंह, उनको दिया गया है, श्री कुमार मुन्नन सिंह को। नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो लड़कियों के अधिकारों के लिए करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी जगह लड़कियों को बढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को मार देते हैं, ऐसा बहुत सी जगह पर होता है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बताइए कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट होता है? आपको पता है कि बहुत सारी डेज ऐसे होते हैं जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अलग-अलग होते हैं, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। तो ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स के राइट्स के लिए काम करता है, और उसने अपना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2.5 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, बेरोजगारी 2.5 मिलियन की वृद्धि हुई है साल 2020 में, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चंस में। रिसेंटली विच कंट्री हैज फेज्ड आउट द केमिकल्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, आपको पता है, ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे यूवी रेस से हमारी रक्षा करता है। तो कौन सा देश है जिसने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको नष्ट करने में आगे है? तो इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज हैव रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू सेव द व्रैक ऑफ द टाइटेनिक? हाल ही में किन दो देशों ने टाइटेनिक के मलबे को बचाने के लिए समझौता किया है? तो कंट्रीज है अमेरिका और ब्रिटेन। टाइटेनिक मूवी आप सबने देखी होगी, तो उसी टाइटेनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दो देशों ने एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड हैज बीन गिवन बाय? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसमें 26 जो ब्रेव चिल्ड्रन है इनको दिया गया है, सिलेक्ट किया गया है, और ये अवार्ड किसने दिया है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICW का फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड बाय? हाल ही में किसके द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो एस जयशंकर द्वारा, एस जयशंकर द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है वो ऑडिटोरियम वो ऑडिटोरियम जो है वो पहली बार महात्मा गांधी का अफ्रीका में स्थापित किया हुआ है। ठीक है, ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन आस्ड टू ऑनर द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड? हाल ही में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान से सम्मानित करने को कहा है? तो कुलदीप सिंह को। किसको? कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट ऑन इंडियाज रिपब्लिक डे? निम्न में से भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन आएंगे? तो कल ही मैंने ये कंटेंट में बताया था, जेयर बोल्सोनारो है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ठीक है, विच कंट्री हैज बीन गिवन द चेयरमैनशिप ऑफ द G77 ग्रुप रिसेंटली?
हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? तो ये दी गई है गुआना को। ठीक है, गुआना को। गुआना को का जो कैपिटल है, उस कैपिटल का नाम है जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, और उसकी करेंसी है डॉलर। तो ये G77 जो है, उस वो पहले पैलेस्टाइन हेड करता था, और अब पैलेस्टाइन से किसने ले लिया है? ये गुआना ने। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज इट बीन मैंडेटरी टू टीच द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से भारत के किस राज्य में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रस्तावना पढ़ना कंपलसरी है। हाउ मेनी करोड़ रुपीस ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आर अलाउड टू बाई डिफेंस इक्विपमेंट? रक्षा अधिग्रहण परिषद कितने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को खरीदने की इजाजत दी है? तो 5,000 करोड़। कितने? 5,000 करोड़। अगर घुमाकर पूछे कि 5,000 करोड़ रुपए रक्षा उपकरणों को खरीदने की इजाजत किसने दी है, तो किसने दी है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC, रक्षा अधिग्रहण परिषद। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल आपको पता है ढाका, उसकी करेंसी भी आपको पता है टाका, और उसकी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीयूष गोयल जी। कौन? पीयूष गोयल। नेक्स्ट, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम हैज बीन लॉन्च। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ, मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि किस स्टेट ने किया है, कौन से राज्य ने किया है? तो ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था करंट अफेयर्स में, यूपी ने। किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। इसमें जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको 5 लाख उनके फैमिली को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री इज रैंक्ड 72 इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव लिस्ट? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धन सूची में कौन सा देश 72वें स्थान पर है? तो कौन है? इंडिया। 72 रैंक किसका है? भारत का। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जन्म जयंती मनाई गई? प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए आप ही लोग। नेक्स्ट, व्हेन डज द बर्थडे ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन बाल ठाकरे कम? भारतीय पॉलिटिशियन बाल ठाकरे का जन्मदिन कब आता है? तो इसका भी आंसर आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज खूब शेयर कीजिए इस सेशन को। अगर इस सेशन में व्यूज लाइक्स सब ज्यादा नहीं आए तो मैं 2019 का करंट अफेयर्स शुरू नहीं कर सकती। अब आप लोग के ऊपर है कि आप मुझे पूरे साल का करंट अफेयर्स मुझसे करवाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।